नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बरसात के मौसम में अभिभावक अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं कि कहीं बच्चे बीमार न पड़ जाएं। प्राइवेट स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं तो वहां पर भी उनका ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर फीस दी जाती है और वो भी मोटी रकम। लेकिन सरकारी स्कूलों में उनकी सेहत के साथ हमेशा खिलवाड़ होता है। यह खुलासा स्वास्थ्य विभाग द्वारा फतेहाबाद के सरकारी स्कूलों की जाँच में सामने आया। बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू और मलेरिया को लेकर के अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान फतेहाबाद के राजकीय कन्या विद्यालय और में छात्रों के सरकारी स्कूल में मलेरिया का कई जगह पर लार्वा मिला। स्कूल के पानी की टंकी, गमले, कूलर के अंदर ये लार्वा पाया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा दोनों ही स्कूलों के प्रिंसिपल को नोटिस जारी भी किया गया। नोटिस के मुताबिक आने वाले 48 घंटों में स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा स्कूल की सफाई करवाई जानी है। अगर 48 घंटे बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम दोबारा स्कूल की जांच करती है और लार्वा पाया जाता है तो स्कूल पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए फतेहाबाद के जिला महामारी अधिकारी विष्णु मित्तल ने बताया कि बरसात के मौसम में उनकी टीमों द्वारा कई जगह पर मलेरिया और डेंगू के मच्छरों के लार्वा के लिए अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में स्कूलों के साथ साथ उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के फतेहाबाद के कार्यालय की जांच की तो वहां पर भी उन्हें मलेरिया का लार्वा पाया गया। वहां पर भी उन्होंने नोटिस जारी किया है। बरसात ऐसे अभी बरसाती मौसम चल रहा है, जैसे तो बरसातों का जो खड़ा पानी होता है उसमें मलेरिया के मच्छर का लार्वा पैदा हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग, हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, सक्षम युवा है, ब्रीडिंग चेकर्स हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमने जो हमारे फतेहाबाद के गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल हैं और गर्ल्स स्कूल हैं उनमें हमारी टीम ने जाके सर्वे किया, तो वहाँ पर कई जगह लार्वा मिला हमें, कूलर में, टंकी में और गमले वगैरह में। तो खड़ा पानी मिला जहाँ पर मलेरिया मच्छर का लार्वा पनप रहा था, तो वहाँ पर हमने उनको तुरंत उस टाइम खाली करवाया और दवाई वगैरह का छिड़काव करवाया। और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं बॉयज़ स्कूल के और गर्ल्स स्कूल के, उनको नोटिस जारी किया और उनको बोले कि इसको आप आगे से ध्यान रखें कि यहाँ पर खड़ा पानी ना हो ताकि मच्छर अंडे ना दे सके। और इसके बाद हमारी टीम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी गई सर्वे करने के लिए, तो वहाँ पर भी कूलर और टंकी में मलेरिया मच्छर का लार्वा मिला है। और वहाँ पर भी हमने उनके संचालक को नोटिस जारी किया है और वहाँ पर साफ सफाई रखने के बारे में निर्देश जारी किया। तो कितने खतरनाक है बच्चों के लिए, जिस तरह से वहाँ काफ़ी संख्या में बच्चे आते हैं, बॉयज स्कूल की बात की जाए या गर्ल्स स्कूल की बात की जाए, तो कितना खतरनाक रहता है ये मलेरिया का मच्छर? अगर खड़े पानी में, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी अंडे देता है, तो अगर उस पानी को साफ ना किया जाए तो वहाँ पर अपने, अगर उसने अपनी पूरा जीवन चक्र पूरा कर लिया तो मच्छर बन के फिर वो वहाँ पे बच्चे या जो भी हैं, शिक्षक हैं, बच्चे हैं, कोई भी स्टाफ है, उनको काट सकता है और इस वजह से उनके अंदर मलेरिया के लक्षण आ सकते हैं, फिर मलेरिया को उपचार देना पड़ता है। तो कितने दिन में जवाब मांगा गया है जी नोटिस का? नोटिस का हमारा ये होता है कि 48 घंटे के अंदर हम उनको बोलते हैं नोटिस में कि 48 घंटे बाद अगर हम पूरा निरीक्षण करेंगे, अगर फिर हमें लार्वा पाया गया उस एरिया में, तो हम उनके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। कितना जुर्माना लगेगा जी? जुर्माना 300 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का हो सकता है जुर्माना, वो कंडीशन देख के लगाया जाता है। अभियान जारी है आपका? अभियान हमारा पिछले 2-3 महीनों से लगातार जारी है और जब तक बरसाती मौसम में भी जारी रहेगा और आगे भी जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर विष्णु मित्तल।